देवास जिले के सासाराम में एवीआर फाउंडेशन के छात्रों ने निकाला साइकिल रैली। आपको बता दें कि पीसीआरए एवं एचपीसीएल की ओर से साइकिल रैली निकाला गया ताकि शहर में प्रदूषण ना फैले और ईंधन की बचत हो। एवीआर स्कूल के बच्चों ने निकाला साइकिल रैली। आपको बता दें कि बच्चों ने साइकिल रैली फैजलगंज स्टेडियम के चक्कर लगाते हुए स्थानीय शहर के लोगों को ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। रैली में एवीआर फाउंडेशन के लगभग 200 से अधिक बच्चे शामिल रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पृथ्वीपाल सिंह वहां शामिल रहे। उन्होंने सबसे पहले साइकिल चलाकर बच्चों को हरी झंडी दिखाई और रैली को रवाना किया। आपको बता दें कि पृथ्वीपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान में ईंधन बचाने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए जरूरी है कि लोग साइकिल चलाएं। पिछले 30 सालों से ईंधन सहित ऊर्जा की अन्य स्रोत काफ़ी कम हो गई है। इनका दुरुपयोग करने के बजाय सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। भविष्य में इस पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर सिंह ने डेवलपमेंट के प्रति जोर देते हुए कहा है कि आगे कहीं भी स्थानीय जगहों पर जाने के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है ताकि उनका सेहत बना रहे और ईंधन के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे। ये आयोजन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है एवीआर फाउंडेशन के सहयोग से, जिसमें उनके बच्चों ने साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट किया है। ये साइक्लोथॉन जस्ट एक साइकिल रैली नहीं है, ये एक मैसेज है जो पूरे सासाराम डिस्ट्रिक्ट में फैलनी चाहिए बच्चों के द्वारा, उनके वाइट ड्रेस के द्वारा, कि हमें ईंधन संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी कम है और हमें उसका ज्यूडिशियल यूज़ करना चाहिए। ये एक मैसेज देने की प्रयास हुई है आज। आज एक इवेंट हुई है और हम आशा करते हैं कि ये मैसेज बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स तक, उन बच्चों के द्वारा सभी सासाराम डिस्ट्रिक्ट के निवासी को तक पहुँचे।